हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षे और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन में पिक्चर इन पिक्चर मोड ऐड करेंगे। सो मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता हूँ, आपको इस फीचर के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन एंड पिप मोड। सो आप देखोगे यहाँ पे एक छोटे से वीडियो प्लेयर के अंदर वीडियो प्ले हो रहा है। सो इसे पिक्चर इन पिक्चर मोड कहते हैं। एंड अगर मैं क्लोज भी करता हूँ तो भी ये वीडियो प्ले हो रहा है एंड ये काफ़ी अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं फुल स्क्रीन में करता हूँ तो फुल स्क्रीन में हो रहा है। सो इस फीचर पर हम लोग इस वीडियो के अंदर वर्क करने वाले हैं। सो दिस पिप मोड, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। एंड इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर हमें कुछ परमिशंस डिक्लेयर करनी पड़ेगी टू यूज पिप मोड। So here in player activity we want to use pip mode. So first we need to declare some permissions here. So first of all is resizable activity to true, because pip mode के अंदर activity की size छोटी बड़ी होती रहेगी। So attribute अगर आप true नहीं करोगे तो हर time player again start होगा। And after that यहाँ पर और भी कुछ attributes हमें set करने हैं। So support picture in picture mode to true, and after that launch mode to single task। एंड अगर आप ये एट्रीब्यूट सेट नहीं करते तो एक ही पिप मोड के मल्टीपल टास्क आप लोग देखने मिल सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेटिंग इट। एंड यहाँ पे कुछ वार्निंग्स है, सो जस्ट चेक। ओके, सो सप्रेस विथ एन। एंड यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें सेट करना चाहूँगा हमारे कॉन्फ़िगरेशन में, सो स्मॉल स्क्रीन साइज भी, एंड उसके बाद कीबोर्ड का भी मैं सेट करना चाहूँगा। सो कीबोर्ड हिडन। एंड ऑल राइट, इतने एट्रीब्यूट से हमारा काम हो जाएगा। सो ये एट्रीब्यूट्स आप अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में डिक्लेयर कर लो, जस्ट टू सपोर्ट पिक्चर इन पिक्चर मोड। एंड आफ्टर दैट्स लेट्स मूव टू प्लेयर एक्टिविटी। एंड इसके अंदर हम लोग रिमेनिंग वर्क करने वाले हैं। सो सिंपली इनिशियलाइज बाइंडिंग में आ जाते हैं, इसके अंदर हम लोग वर्क करेंगे। सो जस्ट आफ्टर दिस स्लीप टाइमर एंड हियर बाइंडिंग डॉट, एंड फर्स्ट लेट्स गिव एन आईडी टू आर पिक्चर इन पिक्चर मोड बटन। सो जस्ट फर्स्ट चेंज दिस टू डिजाइन एंड दिस वन पिप मोड, एंड जस्ट गिव एन आईडी टू इट। So ID pip mode button, and now let's move to player activity and pip mode button. And actually यहाँ पे हमें binding more features use करनी पड़ेगी, mf dot pip mode button dot set on click listener. So when this button is clicked we need to shift to pip mode, but उससे पहले हम permissions check करेंगे, because in case of pip mode by default permission allow होती है, but ऐसा हो सकता है कुछ devices में permission by default allow नहीं होती, हमें user से खुद ask करनी पड़ती है। so for checking permission यहाँ पर हम लोग कुछ कोर्स करने वाले हैं। so यहाँ पर हमें एक object बनाना पड़ेगा, val app ops, and I know ये name थोड़ा सा weird लगता है but it's just a name, and after that get system service and here context dot apps op service, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा रखा था, apps operation services as apps ops manager, and after that here apps ops dot check op no throw. I know it's deprecated but still it works, so we can use it. And first we need to pass here a string which means which service we want to check. So here apps op manager dot picture, picture in picture mode comma, after that we need to pass an UID which means हमें हमारी current application का process ID pass करना पड़ेगा. So for that android dot os dot process, and just change this android to small one dot process dot my UID, and this will do our work. And after that third thing is we need to pass the package name, so simply package name, and yahan pe is equal to app ops manager dot mode allowed. ओके, विच मीन्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो परमिशन हमें अलो है या नहीं, एंड मैं एक वेरिएबल में सेव कर दूंगा. सो वैल स्टेटस, ओके, विच मीन्स हमें पिप एंड पिप मोड अलाउड है या नहीं. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ वार्निंग है, सो इसे रिजॉल्व करते हैं. सो रिक्वायर्स API O annotation, सो सिंपली मोर एक्शंस एंड सराउंड इट विथ O, एंड जस्ट हिट एंटर.
एंड उसके बाद इस कोड को थोड़ा सा ओके अरेंज करते हैं लाइक दिस. एंड यहाँ पे अगर परमिशन गिवन नहीं है सो सिंपली रिटर्न फॉल्स. एंड आफ्टर दैट इफ स्टेटस अगर ट्रू है तो हमें पिक्चर एंड पिक्चर मोड में एंटर करना है. सो हियर सिंपली दिस डॉट एंटर पिक्चर इन पिक्चर मोड एंड हियर सिंपली पास पिक्चर इन पिक्चर मोड पैरामीटर्स डॉट बिल्डर डॉट या ओके डॉट बिल्ड. एंड आप चाहो तो इन पैरामीटर्स में कुछ चेंज कर सकते हो. मैं इस समय डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फिर कुछ एरर है सो सिंपली जस्ट चेक. सो अगेन APIO चाहिए. सो मोर एक्शन एंड सराउंड इट विथ APIO. ओके एंड आफ्टर दैट इनसाइड दिस सबसे पहले मैं इस डायलॉग को डिसमिस करना चाहूँगा मेन डायलॉग को. सो डायलॉग डॉट डिसमिस एंड उसके बाद हमें हमारे प्लेयर के कंट्रोलर्स भी हाइड करने, नहीं तो वो भी शो होगी. सो बाइंडिंग डॉट प्लेयर व्यू डॉट हाइड कंट्रोलर्स एंड आफ्टर दैट जस्ट सिंपली कॉल दिस प्ले वीडियो. एंड ये जो कोड से हमें पिक्चर इन पिक्चर मोड में शिफ्ट कर देंगे. एंड आफ्टर दैट अगर ये केस तब एग्जीक्यूट होगा जब परमिशन ग्रांटेड होगी. अगर परमिशन ग्रांटेड ना हो तो हमें यूजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी परमिशन. सो उसके लिए हम लोग इंटेंट का यूज़ करेंगे. सो वैल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट एंड इसके अंदर सबसे पहले हमें पास करना पड़ता है कि हमें किस एक्टिविटी में मूव करना है. सो मैं यहाँ पे कुछ कोड्स मैंने कॉपी कर रखे हैं, आप सिंपली उन्हें पेस्ट कर सकते हो. एंड्रॉयड डॉट सेटिंग डॉट पिक्चर इन पिक्चर मोड. एक्चुअली इन्हें लिखने में टाइम जाता है इसलिए मैंने कॉपी की है. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें पैकेज पास करना पड़ेगा. पैकेज नहीं बट वो एक URI होनी चाहिए. सो URI डॉट पास एंड सिंपली जस्ट मेक इट अ स्ट्रिंग एंड पैकेज कोलन एंड यहाँ पे डॉलर का यूज़ करूँगा. कॉटलिन सिंटैक पैकेज नेम एंड ऑल राइट इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स यहाँ ना हो. एंड आफ्टर दैट हमें सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करनी है एंड उसके अंदर इसे इंटेंट को पास करना है. सो दिस विल रिक्वेस्ट परमिशन फॉर अस. अगर हमें ग्रांटेड नहीं होगी सो यहाँ पे कोड को थोड़ा सा कम कर देता है. एक्चुअली कुछ ज़्यादा दिख रहा है. ओके सो जस्ट लाइक दिस. सो ये जो अपर कोड से ये पिप की परमिशन को चेक करने के लिए है एंड ये जो बिलो कोड से ये पिप में एंटर करने के लिए. एंड अगर वो परमिशन ग्रांटेड ना हो तो हमें उसे रिक्वेस्ट करनी है. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पिप सपोर्टेड ही नहीं उस डिवाइस के अंदर. सो फॉर दैट एक्चुअली मैं इस कोड को यहाँ से कट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ. जस्ट पेस्ट इट हियर एंड यहाँ पे मैं स्टेटस चेक करूँगा. ओके एंड आफ्टर दैट इस इफ के लिए मैं एक ब्लॉक लिखने वाला हूँ यहाँ पे. सो एल्स सो अगर पिप सपोर्टेड नहीं है उस डिवाइस में तो एक सिंपल सा टोस्ट मैसेज शो होना चाहिए. टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट एंड सिंपली दिस कॉमा फीचर नॉट सपोर्टेड सपोर्टेड एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क्स कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट एंड डॉट शो. एंड उसके बाद डायलॉग डॉट डिसमिस एंड सिंपली प्ले वीडियो. ओके सो अगर फीचर सपोर्टेड नहीं तो ये होना चाहिए. अगर सपोर्टेड है तो वो ऑन होना चाहिए. सो नाउ एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं क्या पिप एंड पिप मोड में वो शिफ्ट हो रही है या नहीं. सो फाइनली ग्रिडल इज बिल्ड एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड लेट्स प्ले अ वीडियो. सो आई एम प्लेइंग मिस्टर क्लॉस जस्ट बिकॉज आई लाइक इट. एंड क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन एंड पिप मोड. सो आर पिप मोड इज वर्किंग. एंड अगर मैं इस फुल स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो वो वापस फुल स्क्रीन में हो रहा है एंड इट्स वर्किंग फाइन. एंड इससे इसने हमसे कोई परमिशन भी रिक्वेस्ट नहीं की क्योंकि बाय डिफॉल्ट अनेबल ही होती है. एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन बटन एंड पिप मोड अगेन. सो इट्स वर्किंग बट देयर इज एन इशू. अगर मैं कोई दूसरे वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे दैट सेम वीडियो प्लेस अगेन. सो इस इशू को हमें फिक्स करना है इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.